आज हमारे बीच कामटी मेंबर जमात के अध्यक्ष अब्दुल वहाब नागानी साहब मौजूद हैं। आप पॉलिटिक्स से भी रिश्ता रहा है और आप एक सोशल वर्कर भी हैं और कामटी की एक मशहूर शख्सियत भी हैं। मेहमान होने के नाते आप एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। अब्दुल वहाब नागानी साहब, मेहमान दुनिया के इस खास इंटरव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मां, कामटी मेहमान जमात क्या काम करती है? कामटी मेहमान जमात एक उसके पास मेहमान जमात के पास एक मेहमान हॉल है, खाली शादी हॉल है। जी जी। और हम आगे तुम्हारा कॉलोनी मेहमान कॉलोनी बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा। और एक काफी बड़ा मदरसा बनाने की सोच रहे हैं। जी जी। यानी आपने उसके लिए प्लान कर लिया है? जी जी। और अभी मेरे को बनके करीब 6 महीना हुआ है। अच्छा, 6 महीने पर। इससे पहले कौन सदस्य थे इसके अंदर? हमारे मोहम्मद अशरफ नागानी साहब थे, हमारे चाचा थे। जी जी जी। वो सदस्य थे? जरा चलना फिरना कम होता हूँ। अच्छा अच्छा। जी। वो लोग भी काफी उन्हीं के हाथ का बना हुआ है। अच्छा, उन्होंने ही बनाया था उसको? जी जी। हमारे बड़े भाई है यूसुफ भाई। अच्छा, उन्होंने काफी मेहनत किया है। अच्छा अच्छा। जगह वगैरह लिया उन्होंने, बनाया मेहमान जमात। जी जी। तो ऑल इंडिया मेहमान जमात से ऑल इंडिया मेहमान फेडरेशन से भी हमको शायद मतलब सपोर्ट मिला उसमें। अच्छा अच्छा। काफी अच्छा उनका भी सहयोग मिला और मेहमान जमात खाना बना। अच्छा। और अभी हमने उसको काफी डेवलप किया 6 महीने में भी। अच्छा। और पहले हमारे यहाँ सब बर्तन वगैरह नहीं थे, पूरे बर्तन टेबल कुर्सी सब पूरा। यानी आप जमात खाने के अंदर में पूरा ईच एंड एवरीथिंग पूरी सहूलत मुहैया करते हैं। अगर कोई एक बार आता है तो उसको हर चीज की प्रोवाइड करा देते हैं, सहूलत मौजूद है वहाँ पर। पूरा ये पहले नहीं था, करीब अभी 6 महीने के अंदर ही करें ये आपने किया है हमारे आने के बाद। जी जी जी। आप एक सोशल वर्कर भी हैं, इसके बारे में हमारे हमको बताइए। आप एक बहुत अच्छे सोशल वर्क करते हैं, आप मेहमान जमात सदर होने की हैसियत से आप पहले भी काम करते, तो इसके बारे में बताइए। अब तो ऐसा है कि भाई हमारे कामटी शहर जो है काफी गरीब है। जी। गरीब एरिया, मुस्लिम लोग भी है वहाँ पे, बुनकर बिरादरी है। जी। मेहमान लोग में थोड़े बहुत परसेंटेज में कम है गरीब, बाकी दूसरी बिरादरी के काफी गरीब। अच्छा अच्छा। तो इसमें हम लोगों को जैसे कोई तालीम पढ़ना आगे चाहता है, मेडिकल जैसे डॉक्टर बनना चाहता है, तो उसको भी मदद करते हैं। और किसी की शादी ब्याह का मसला है जी, कोई बीमार हो गया तो उसमें मदद करते हैं, मेडिकल हेल्प भी करते हैं। हाँ, मेडिकल हेल्प भी करते। जी जी। आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, आपने कैसी तरक्की की, इसके बारे में बताएंगे हमारे? तरक्की करना? हाँ, वैसे तो मेहमान बिजनेसमैन होता है व्यापारी वर्ग से, लेकिन आपने काफी अच्छी तरक्की की है, तो बताइए हमारे मेहमान दुनिया के दर्शकों को आपने कैसी तरक्की की? अल्लाह का एहसान है, अपन जो है किसी को किसी की मतलब जो अपने से बड़ा है उसके पीछे दौड़ते नहीं अपन। जी जी। और अपने काम से काम रखो, अच्छे से धंधा करो, ईमानदारी रखो, उसमें दो पैसा अल्लाह पाक देता ही है। वैसे आप बिजनेस क्या करते हैं? बिजनेस माशाल्लाह मेरा बांबू का है, बांस बोलते हैं जिसको। जी, बांस का बिजनेस। हाँ, गुजराती में बांस बोलते हैं। जी जी जी। वो फॉरेस्ट में होता है, जंगलों में। जी जी जी। और इसका गवर्नमेंट से टेंडर निकलते हैं। अच्छा। और वो टेंडर लेने के बाद उसको हमारे फेवर में हुआ टेंडर, तो उसको आगे काम करके। ये क्या काम आता है ये बांस जो आप करते हैं? बांस ही डेकोरेशन वगैरह में जाता है। अच्छा। और मकानों में यूज होता है। जी 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 जी। ठीक है। आपका आप पॉलिटिकल घराने से ताल्लुक रखते हैं, इसके बारे में क्या बताइए आप हमें? माशाल्लाह मेरे अब्बा भी पॉलिटिशियन रहे हैं। जी। 3-4 बार कॉर्पोरेटर भी रहे हुए हमारे कांग्रेस से। जी। कांग्रेस पार्टी से। जी जी जी। और वो नगर उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अब्बा। अच्छा। हमारे। जी जी। उससे बढ़ के मेरा छोटा भाई आगे बढ़ा। जी, जी। वो अध्यक्ष बना माशाल्लाह। अच्छा। और 4 बार वो भी कॉर्पोरेटर रहा है, नगर पालिका का अध्यक्ष रहे। अच्छा अच्छा, रहे हैं। हाँ, छोटा भाई। जी जी। उपाध्यक्ष हमारे अब्बा थे, तो ये अध्यक्ष बना माशाल्लाह। जी जी। ये करीब 4-5 साल से कॉर्पोरेटर है। 20 साल से कॉर्पोरेटर है जी माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। और
काफी पहचान है मेरे भाई की, छोटे शकुर नागानी जी। क्या नाम है उनका? शकुर नागानी जी। जी जी जी, छोटा भाई है वो। अच्छा। और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग जानते हैं मास्टर, और उसका मतलब काम भी पब्लिक में भी अच्छा है उसका। जी जी, काफी यानी कामटी को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे पूरे महाराष्ट्र के अंदर। छोटे बड़े काम रहे बॉम्बे दिल्ली के, वो कामटी लेवल के। अच्छा, जिन लोगों को कुछ शिकायत हो या जो काम करके देना है तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर में कामटिक में रिप्रेजेंट करते हैं आपके भाई शकुर नागानी जी। जी जी, यानी इलेक्शन में 2014 के इलेक्शन में आप क्या देखते हैं, आने वाले इलेक्शन में आप क्या देखते हैं कि मुल्क का क्या मुस्तकबिल होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय? 2014 में तो सेकुलर पार्टियां आई हैं इंशाल्लाह, चुनी जैसी उम्मीद लग रही है। जी जी, अभी गुजरात में जो देखे 2002 में लकड़े हुए थे जी, तो उससे अभी मुसलमान बहुत जागरूक हो चुका है। जी, मुसलमान जागरूक होके ही वोट देंगे इंशाल्लाह। जी, और उम्मीद है कि कांग्रेस भी फिर से रिपीट होंगी दौर में। आपका इसका मानना है? जी जी जी, आप हमारे मेहमान दुनिया के व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी मेहमान भाइयों को मैं एक ही बात बोलूंगा कि भाई अपने अल्लाह पाक ने पैसे वाला बनाया है जी, और बिजनेसमैन बनाया है, तो जो मेहमान भाइयों को तो मदद करिए, दूसरे मुस्लिम भाइयों को भी मदद करिए, मेहमान भाइयों को मदद करिए, कोई छोटा आदमी है उसको आगे बढ़ाइए, बिजनेस में मदद करिए, और कोई तालीम हासिल करना चाहता है वो पैसे की वजह से पीछे है तो उसको तालीम के लिए पैसे दीजिए, मदद करिए, कोई गरीब है उसकी शादी करवाइए, अच्छा काम कराइए, पैसा साथ में कोई लेके जाएगा नहीं, पैसा अपना आखरत का काम, आखरत में सवाब का काम है, ऐसा काम करिए। ठीक है, अब्दुल वहाब नागानी साहब हमारे स्टूडियो में आए, मेहमान दुनिया से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलेंगे, आप देखते रहिए मेहमान दुनिया।